आवाज सच न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए खास रिपोर्ट। जिले के सभी राजकीय कार्यालयों में चलाया गया विशेष सफाई अभियान। जिला कलेक्टर एवं एडीएम ने कलेक्टरेट परिसर में झाड़ू चलाकर साफ सफाई कर स्वच्छता का दिया संदेश। जिला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान नगर परिषद और विद्युत विभाग कार्यालय में पाई गई अनेक खामियां, अनुपस्थित मिले कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के लिए निर्देश। अनूप जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा के निर्देशानुसार जिले के सभी सरकारी कार्यालय में शनिवार को विशेष सफाई अभियान चलाया गया। सभी कार्यालयों में प्रातः 10:30 बजे से 12:30 बजे तक चले सफाई अभियान में कार्यालय अध्यक्षों के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अपने कार्यालयों सहित आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई कर श्रमदान किया। इसी अभियान के तहत जिला कलेक्टरेट परिसर में जिला कलेक्टर मीना तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारन ने कलेक्टरेट कर्मचारियों के साथ झाड़ू से साफ सफाई करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। जिला कलेक्टर श्री मीना ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिला ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तरीय राजकीय कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों ने व्यापक स्तर पर श्रमदान करते हुए कार्यालय परिसर में पड़े हुए कचरा मलबा को एकत्रित कर कचरा संग्रहण वाहनों में डलवाया गया। उन्होंने कहा कि सफाई अभियान के माध्यम से आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। नगर परिषद व विद्युत विभाग कार्यालय में मिली अव्यवस्थाएं सफाई अभियान के दौरान जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा और एडीएम श्री ओम प्रकाश सहारन ने नगर परिषद तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अनूपगढ़ के कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान दोनों स्थानों पर अनेक खामियां पाई गयी। सफाई व्यवस्था पुख्ता नहीं होने पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सख्त निर्देशित किया। इस दौरान कार्यालय में अनुपस्थित मिले कार्मिकों को नोटिस जारी करने के लिए जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया। डीएल सारस्वत की खास रिपोर्ट।